अब बात करते हैं हत्या के आरोप में जेल में बंद सुशील पहलवान की। सुशील पहलवान जेल में अब भी खुद को वीवीआईपी मेहमान समझ रहा है, तभी तो वो जेल प्रशासन से अलग अलग तरीके की डिमांड रखता है। इस बार सुशील कुमार ने अपने बैरक में एक टीवी लगाने की मांग की है। कुछ दिन पहले उसने डेल में हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स की डाइट में हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी मांग रखी थी। जेल में पहलवान की टीवी की डिमांड, जेल में कुश्ती देखना चाहता है सुशील। हत्या के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार। उसे सलाखों के पीछे गए हुए अब करीब करीब डेढ़ महीने होने जा रहे हैं। इस डेढ़ महीने में सुशील कुमार जेल में खुद को वीवीआईपी कैदी समझने की कोशिश करने लगा है, तभी तो जेल प्रशासन से एक के बाद एक स्पेशल डिमांड कर रहा है। सुशील कुमार ने अब जेल प्रशासन से अपने सेल में एक टीवी लगाने की मांग की है। सुशील ने जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो देश दुनिया की जानकारी चाहता है, इसीलिए बैरक में टीवी लगवाई जाए। सुशील कुमार तिहाड़ के जेल नंबर 2 में एक हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। सुरक्षा कारणों से उससे आम कैदी नहीं मिल सकते। अकेले सेल में होने की वजह है कि उसका वक्त नहीं कट पा रहा है। बोरियत को दूर करने के लिए हो सकता है उसने अपनी सेल में टीवी लगाने की मांग की हो। सागर धनखड़ के हत्या के आरोपी सुशील पहलवान ने तिहाड़ प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर एक टेलीविजन की मांग की है, वो भी अपने बैरक के अंदर। सुशील ने अपने चिट्ठी के अंदर लिखा है कि उसे देश दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए, इसके लिए उसे टीवी की ज़रूरत है। बैरक के अंदर वो बोर होता है, चूँकि वो कुश्ती का खिलाड़ी है और ओलंपिक पदक जीत चुका है, तो कुश्ती संबंधी जो तमाम मैचेस होते हैं वो उसे देखना चाहता है, इसके लिए तिहाड़ प्रशासन को उसने एक चिट्ठी लिखी है। सुशील को मौजूदा जेल मैनुअल के हिसाब से रोजाना अखबार दिया जाता है। सूत्रों की माने तो पहलवान सुशील कुमार जेल में टीवी पर कुश्ती के मैच देखना चाहता है, ताकि कुश्ती के दांव पेंच वाली प्रैक्टिस कम से कम टीवी देखकर ही पूरी हो जाए। हालांकि सुशील कुमार की टीवी वाली डिमांड पर अभी तक तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। सुशील कुमार ने करीब एक महीने पहले अपने लिए हाई प्रोटीन सप्लीमेंट डाइट की मांग की थी। तब उसने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसमें उसने कुश्ती करियर का हवाला दिया था। तब सुशील की ओर से अपील में लिखा गया था, सुशील कुमार 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, इसलिए कोर्ट जेल में उन्हें विशेष खाना और सप्लीमेंट देने की मंजूरी दे। हालांकि इससे पहले सुशील पहलवान ने जब वो हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल गया था, तो तिहाड़ के अंदर जो खाना दिया जाता था वो उससे खुश नहीं था, इसलिए प्रोटीन युक्त खाने की डिमांड की थी, प्रोटीन के सप्लीमेंट को डिमांड किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुशील कुमार की हाई प्रोटीन सप्लीमेंट की डिमांड कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि सुशील की स्पेशल डाइट खाने में शामिल नहीं है, उन्हें जेल नियमों के हिसाब से ही खाना दिया जाए। वैसे सुशील को अपने वीवीआईपी होने का गुमान इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों जब उसे मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तो कुछ पुलिस कर्मियों ने उसके साथ फोटो खिंचवाई थी। उस फोटो में सुशील कुमार को इस बात का जरा भी गम नहीं था कि वो एक कैदी है। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो खुद को अभी भी सेलिब्रिटी मानता है। शायद इसी गुमान में सुशील पहलवान बार बार जेल प्रशासन से कोई ना कोई डिमांड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।